हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज ईयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज आज की क्लास में हमने जो कल चैप्टर पढ़ा था हमारा है ना इंडिगो जो हमारा चैप्टर चल रहा था जहां हमने स्टोरी कहां तक पढ़ ली थी कि भाई एक पीजेंट होते हैं जो शेयर क्रॉपिंग में फंसे होते हैं जिनका नाम क्या होता है राजकुमार शुक्ला वो गांधी जी से मदद मांगने पहुँचते हैं और गांधी जी को अपने साथ चंपारण लेने के लिए जाते हैं है ना तो गांधी जी जो हैं चंपारण जाते हैं काफ़ी महीनों बाद फिर वहाँ की हालत देखने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लोग जो है उन्हें थ्रेटन भी करते हैं कि वो जो है चंपारण से चले जाएं ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें आगे क्या हुआ वो जानेंगे हम आज की स्टोरी में तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी डिले ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी ठीक है अब क्या होता है गांधी जी डिले का जो है विरोध करते हैं और उनको जो एक स्टेटमेंट पकड़ा दिया जाता है जिसमें उन्हें बोल दिया जाता है कि आप गिल्टी हो मतलब आपने कुछ ना कुछ किया है आप क्रिमिनल हो ठीक है उन्हें यह बोल दिया जाता है

िटेरियन मानवीय यहाँ लिख रही हूँ मैं ठीक है तो मानव रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए जो काम है और नेशनल सर्विसेज हैं मैं यहाँ उनके लिए आया हूँ ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस ठीक है वो यहाँ पे जो है ना इसलिए नहीं है और है ना दूसरी बात क्या बोलते हैं कि वो जो उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाएँ वो उसे नहीं मानते इसलिए नहीं कि उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए होती है कानूनी तरीके से इसलिए नहीं है ना कि भाई मुझे जो है तुमसे कोई रिस्पेक्ट चाहिए बस इसलिए कि भाई जो मेरे मतलब मेरी जो अंतर आत्मा है ना वो मुझसे क्या कह रही है मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ तो मैं आपकी नहीं सुनूंगा

इसमें क्या करें कि आप बेल के लिए कुछ करें गांधी उस चीज़ के लिए भी रिफ्यूज़ कर देते हैं द जज रिलीज हिम विदाउट बेल लेकिन फिर जज को जो है उन्हें रिलीज करना पड़ता है वेन द कर्टी कन्वेंड द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज अब जब दो घंटे के बाद कोर्ट जो है वापस लगती है है ना रिसेस ख़त्म होता है तो उसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मैं अभी जो है कोई भी जजमेंट नहीं दूंगा कुछ टाइम तक कोई भी जो है Uh, वो नहीं सुनाऊंगा जजमेंट मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी और जब तक वो क्या करते हैं बोलते हैं कि गांधी जी आप जो हैं आजाद हैं ठीक है राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर किशोर बाबू मुलाना मजरहुल हक एंड सेवरल अदर प्रॉमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार इतने में क्या होता है हमारे राजेंद्र प्रसाद और uh, क्या है हमारे ब्रिज किशोर बाबू मौलाना मुजहरुल हक ये सब जो है बिहार से आ जाते हैं दे कन्फर्ड विद गांधी वो गांधी जी के साथ जो है विचार विमर्श करते हैं उनसे मिलते हैं है ना और फिर वो आगे क्या करना है वो चीज़ डिसाइड करते हैं वॉट वुड दे डू इफ ही वो सेंटेंस टू प्रिजन गांधी आज ठीक है आप जो है गांधी जी क्या पूछते हैं कि भाई क्या होगा अगर मुझे प्रिजन भेज दिया जाए जेल भेज दिया जाए है ना प्रिजन जेल

वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स गांधी डिमांडेड अब गांधी जी बोलते हैं चलो ठीक है ये तो बात है तुम तो मुझे एडवाइस दे रो लेकिन वो जो अन्याय शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहा है उसका क्या इनजस्टिस अन्याय

म इट वुड बी अमफुल डिजर्शन ठीक है तो वही सोचते हैं कि हम तो यार यहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं और हमने इनमें से कितने पीजेंट को जो है कोर्ट में रिप्रेजेंट भी किया है तो अगर हम पीछे हट जाएंगे तो ये कितनी ज्यादा एक शेमफुल डिजर्शन होगी है ना एक शर्मनाक बात होगी डेजर्शन होना डेजर्शन होना कहला दिया जाता है कि भाई एकदम अपनी जो ड्यूटीज हैं उनसे भागना ठीक है अपना कर्तव्य छोड़कर भागना तो डेजर्शन क्या हुआ देखो मैं यहां लिख रही हूं डेजर्शन कर्तव्य से भागना

Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. You okay, paper ke pieces paper and divide kar hain aur usme kya hota hai? court arrest. Ke mein likha hota hai. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be ड्रॉप्ड अब कुछ दिन बीत जाते हैं उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होता है वो गांधी जी को एक लेटर लिख के भेजता है और उसमें क्या बोलता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि ये जो केस है जिसके लिए आप यहाँ लड़ रहे हैं उसे ड्रॉप कर दिया जाए सिविल डिस हार्ट हार ट्रायम द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया अब पहली बार सिविल डिसऑबीडियंस हुआ था इंडिया में पहली बार जो है लोगों ने जो जनता है उन्होंने क्या किया था विरोध करना शुरू किया था प्रोटेस्ट करना शुरू किया था गांधी एंड दी लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर अब गांधी जी और जो लॉयर्स थे उन्होंने क्या किया एक फार फ्लंग इन्वेस्टिगेशन शुरू करी फार फ्लंग लंबी चौड़ी पूरी विस्तार से

द होल एरिया थ्रॉप एक्टिविटी ऑफ द इनिटर्स एंड द वेमेन प्रोटेस्ट ऑफ़ दी लैंड लॉर्ड ठीक है अब क्या हुआ कि पूरे एरिया में जो है एक हलचल सी मच गई थी कि भाई जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है न इन जून गांधी वो समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर अब जून में क्या हुआ गांधी जी को किसके द्वारा बुलाया गया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम क्या था सर एडवर्ड गेट बिफोर ही ही वेंट मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन डिटेल फॉर सिविल इफ शुड नॉट रिटर्न लेकिन वहां जाने से पहले उन्होंने अपने जितने भी साथी से उनसे उनके साथ एक डिस्कशन किया है ना एक सभा बिठाई जिसमें उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं वापस नहीं आता हूँ अगर मैं रिटर्न नहीं आता हूं तो आप जो है सिविल डिसओबीडियंस का एक्ट लेंगे गांधी हैड फोर प्रट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन ठीक है अब क्या हुआ गांधी जी के साथ एक काफी विस्तार में क्या हुए चार इंटरव्यूज हुए उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया एक की. उस कमीशन में कौन कौन थे लैंड थे जिन्होंने जमीन हड़पी हड़ हुई थी है ना और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे और सिर्फ अकेले गांधी जी थे जो पूरा पीजेंट वाला जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे

कुछ दिन में ये सब खत्म हो जाएगा लेकिन उस चीज ने पूरा साल ले लिया था पीजेंट्स अब क्या हुआ जब कमीशन इंक्वायरी जो बैठी थी उसमें क्या हुआ कि जो सारे जो ये थे जिन्होंने एस्टेट्स बना लिए थे अपने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा हो गए थे सबूत मिल गए थे तो वो लोग क्या हुआ उन्होंने फिर अग्री किया कि ठीक है हम इनका सबका पैसा जो है इन्हें वापस लौटा देंगे बट हाउ मच मस्ट वी पे दे गांधी अब वो गांधी जी से पूछते हैं लेकिन हम कितना पैसा उन्हें लौटाएं दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड एंडली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स अब वो सोचते हैं कि गांधी जी जो है वो पूरे पैसे मांगेंगे जो हमने इलीगली और धोखे से इन शेयर क्रॉपर्स से इकट्ठा किए हैं

ये बात किसने लिखी रेवरेंड जे जेड हॉज ने लिखी, लिखी जिन्होंने ये पूरा चंपारण वाला एपिसोड अपनी आंखों से देखा था थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी ठीक है आप है ना क्योंकि भाई उन्हें नहीं पता था जो भी था लेकिन जो शेयर क्रॉपर्स थे जो लैंड थे उन्होंने कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट वापस दिया एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी द डेड लॉक ठीक है अब क्या हुआ लेकिन उसे ये चीज बहुत आश्चर्यचकित करी कि गांधी जी ने इस चीज पर भी मान लिया था दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड यूनानिमसली बाई दमीशन यह पूरा सेटलमेंट जो था वो पूरा कमीशन में अपनाया गया

Within a few years, the the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. आप कुछ सालों में क्या हुआ कि जो शेयर कर क्रॉपिंग करनी पड़ रही थी वो बिल्कुल पूरी तरी से तरीके से गायब हो गई थी गांधी never कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक solutions. गांधी जी ने कभी भी खुद को इस चीज से संतुष्टि नहीं दी कंटेंटेड संतुष्टि वो कभी भी इस चीज में satisfied नहीं थे कि भाई जो है politically या उन्हें कोई solution मिले। कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली उन्होंने क्या चीज देखी वहां कि चंपारण में जो है ना काफी मतलब चंपारण पीछे है किस चीज में सोशली भी पीछे और कल्चरल भी पीछे हैं ही अपील फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहारी पारिक टू यंग हु हैड जस्ट गांधी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइज वॉल्टियर फॉर दी वर्क उन्होंने क्या किया उन्होंने दो टीचर्स से बात की दोनों के नाम यहाँ पे लिखे हैं जो आपको याद होने चाहिए एक थे महादेव देसाई दूसरे थे नरहारी पारिक ठीक है ये दोनों भी गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे तो और उनकी वाइफ ने भी जो है काम करने के लिए वॉलेंटियर किया उनका साथ दिया केम फ्रॉम बॉम्बे लैंड और दूसरे टीचर्स भी आए अलग अलग एरिया से देवदास गांधी एंड सो डेड मिसेज गांधी अब गांधी जी के आश्रम से उनका बेटा सबसे जो छोटा बेटा था देवदास वो और उनकी वाइफ भी आ गए थे प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन अब वहाँ के छः गाँवों में क्या हुआ था प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए गए थे कस्तूरबाई टॉट दी आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल एंड कम्युनिटी सैनिटेशन कस्तूरबाई जो गांधी जी की वाइफ थी उन्होंने लोगों को क्या सिखाया कि हमें कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए और सैनिटरी चीज़ें यूज करनी चाहिए हेल्थ कंडीशन मिजरेबल क्योंकि हेल्थ रिलेटेड कंडीशन जो है वो बहुत खराब थी वहाँ गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉल्टियर हिज सर्विस फॉर सिक्स मंथ्स गांधी जी एक डॉक्टर भी लाए थे जिन्होंने छः महीने वहाँ पर सर्विस दी थ्री मेडिसिन अवेलेबल तीन ही मेडिसिन थी जो अवेलेबल थी कैस्टरऑयलन एंड सल्फर ऑइंटमेंट ठीक है तीन ही मेडिसिन थी जो वहाँ पे चंपारण में कुछ भी होता था तो दी जाती थी ठीक है एनीबडीड कोटेड टंग वाज गिवेन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल अगर किसी के टंग पे कुछ जैसे व्हाइट व्हाइट दिखता था तो उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्वेन प्लस कैस्टर ऑयल अगर किसी को मलेरिया हो गया तो उसे क्वेन की गोली और कैस्टर ऑयल दिया जाता था एनीबडी वीसीवेंट प्लस कैस्टर अगर किसी को स्किन पे कोई छाले या कोई स्किन uh, रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी उन्हें सल्फर ऑइमेंट और कैस्टर दिया जाता था गांधी स्टेट ऑफ वेमे गांधी जी ने देखा वहां पर जो और उनके कपड़े बहुत गंदे हैं ही टू टॉक टू दबाउट इट उसने जो है कस्तूबाई से बोला की तुम लोगों से बात करो औरतों से बात करो वन वुमेन टू कस्तूरबा हर्ट एंड सैड लुक को अपनी झोपड़ी में लेके और उसने देखा कि देखो यहाँ पर कोई डब्बा या कोई कबर्ड नहीं है जिसमें कपड़े हों द साड़ी आई एम वेरिंग इज दई जो साड़ी मैं पहन रही हूँ वो एक, एक साड़ी है जो मेरे पास है ड्यूरिंग हिस्स लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी कैपिटल लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन दी आश्रम ठीक है आप जब वो चंपारण में इतना लंबा समय रुके तो गांधी जी ने जो है आश्रम में भी ध्यान रखा हिस्स सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आज फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स उन्होंने पूरे मतलब है ना मेल के थ्रू वो सारे रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते थे आश्रम में और सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स भी ध्यान रखते थे वंस ही रोड टू द रेसिडेंट दैट इट वॉज टू फिल इन दी ओल्ड लेटरीन ट्रेंचेज एंड dig न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड अब उन्होंने एक बार जो है क्या लिखा वहाँ के रेसिडेंट्स को कि भाई जो पुराने वाले जो ट्रेंचेज हैं ना वॉशरूम वाले है ना वो बंद करके नए खोदने चाहिए अदरवाइज उनमें से गंदी बदबू आएगी द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ वट आई डेड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग तो जो चंपारण वाला एपिसोड था वो सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और ये चीज जो उन्होंने की वो काफी साधारण थी ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माय ओन कंट्री उन्होंने ये चीज सबको क्लियर कर दी थी कि जो ब्रिटिश है वो मुझे अपनी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं दे सकते बट चम्पारण डि नॉट बिगिनिट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट चंपारण लेकिन है ना इस तरीके से स्टार्ट नहीं थी कहानी की यहाँ पे सिर्फ हम ब्रिटिश रूल को ही हटाएंगे है ना ये कहानी यहाँ पे ऐसी भी थी कि जो पीजेंट है उनके लिए क्या अच्छा किया जा सकता है

अपनी जो वफादारी वो से नहीं दिखाई उन्होंने कभी भी उन्हें पॉलिटिकली कोई लेना देना नहीं था उनकी जो वफादारी थी वो लोगों से थी इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री तो गांधी जी जो थे वो हमेशा इसी चीज के लिए काम करते थे कि भाई जो इंडियन है जो भारतीय है वो फ्री रहे हर चीज से और खुद के पैरों पर खड़ा हो सके अर्ली इन द चंपारन एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रूस द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा केम टू गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड अब देखो यहाँ पे क्या था जब ये चंपारण वाली चीज चल रही थी तो एक पैसिफिस्ट था ना जो मतलब क्या था जो गांधी जी से काफी इंस्पायर्ड था और गांधी जी का एक फॉलोअर बन गया था जिसका नाम क्या था चार्ल्स फ्रियर एंड्रय

But Gandhi was vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side?" Gandhi ji ne jo है बिल्कुल इस बात को मना कर दिया कि तुम्हें लगता है है ना ये सही है या ये फेयर है कि हम एक इंग्लिश मैन को अपनी साइड रख के दूसरे इंग्लिश मैन से फाइट करेंगे हार्ट कॉज इज जस्ट यू एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर द बैटल ये चीज तुम्हारे दिल की कमजोरी शो करती है तुम्हें जो है खुद पर यकीन होना चाहिए दूसरों पर कभी भी रिलाय नहीं करना चाहिए और तभी तुम्हें जीत मिलेगी

जवाब नहीं था गांधी इन दिस वे टॉट अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस इन हेल्प टू द शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर तो इस वजह से हमें गांधी जी ने क्या सिखाया कि हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए अगर हम दूसरों पर रिलाई करेंगे किसी भी काम के लिए तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको भी यही मैसेज मिलता है कि आपको जो करना है अपने बल पर करना है तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे ठीक है आज की जो क्लास है वो यहीं खत्म होती है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे